हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक शेयर के ऊपर। क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है, तो क्वार्टर टू के रिजल्ट के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करेंगे हम लोग टेक्निकली लेवल्स के ऊपर। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। महिंद्रा लॉजिस्टिक के शेयर में अगर देखेंगे, स्टॉक आज 0.5% की तेजी के साथ आपको क्लोज हुआ है। 490 के लेवल पे स्टॉक जो है आपको क्लोज हुआ है। इनिशियली स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद एक गिरावट देखने को मिला। फाइनली जब आपको रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसके बाद एक स्पाइक आया और स्टॉक जो है अपने डे के हायर साइड पे ही क्लोज दिया, और अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही स्टॉक ने यहाँ पे आपको क्लोज दिया है। लास्ट वन मंथ की अगर बात करेंगे, तो स्टॉक जो है तकरीबन 3.25% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। और लास्ट वन ईयर की अगर बात करेंगे, तो स्टॉक जो है तकरीबन 33% के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट के ऊपर। लेकिन अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको लगातार इम्पोर्टेंट अपडेट मिलता रहेगा। जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जहाँ पे एक अच्छा तेजी हो सकता है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग ट्विटर या फिर टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं। और ट्विटर और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनकेस अगर आप सपोज जॉब में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप खुद से मार्केट को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। सारा डिटेल जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो कंपनी ने पोस्ट किया है 1521 करोड़ का रेवेन्यू। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तकरीबन 7% का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करेंगे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम लोगों को ऑलमोस्ट 160 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइट डिप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखेंगे, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर स्लाइटली डिप आया है। क्योंकि इंटायर इंडस्ट्री के ऊपर ही बात करेंगे, तो पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही थोड़ा सा प्रेशर में अभी देखने को मिल रहा है। और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो कंपनी ने 9.61 यानी कि 9.61 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया है। और प्रीवियस कई क्वार्टर से अगर देखेंगे, तो लगातार जो है कंपनी यहाँ पे नेट लॉस पोस्ट कर रहा है। उसके पीछे का वजह है, जो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, बिजनेस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से जो है आपको कई सारे जो सब्सिडरीज हैं वहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। कंपनी को वहाँ पे लॉस झेलना पड़ रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है, जो नेक्स्ट 1 to 2 quarter या फिर जैसे ही मार्केट में आपको इस सेक्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो है कंपनी इबिट्टा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो लगातार मैनेजमेंट का जो है एक पॉजिटिव गाइडेंस है। कई सारा रिसेंट एक्विजिशन हुआ है, जिसकी वजह से जो है सब्सिडरीज में लॉस देखने को मिल रहा है, बट नेक्स्ट 1 to 2 quarter जो है वो आपको काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है लगातार पॉजिटिव है, जो यहाँ पे नेक्स्ट 1 to 2 quarter में आपको एक अच्छा यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, प्रोमोटर का होल्डिंग लगातार जो है कॉन्स्टेंट है, यानी कि प्रोमोटर को अपने कंपनी में कॉन्फिडेंस है, तभी जो है स्टेक आपको लगातार कॉन्स्टेंट है। FIA का स्टेक 4.95% का है। FIA ने यहाँ पे प्रीवियस क्वार्टर के कंपेरिजन में स्लाइटली रिडक्शन किया है अपने स्टेक में। वहीं अगर बात करेंगे, DII ने 0.7% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। और पब्लिक का होल्डिंग जो है यहाँ पे आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस क्वार्टर के कंपेरिजन में पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे 0.1
13% से डिक्रीज किया है, यानी कि जितना पब्लिक और एफआई ने बेचा है पूरा का पूरा जो है डीआई ने यहाँ पे बाई किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ एक पॉजिटिव होता है जो आपको पब्लिक के हाथ से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर जा रहा है। स्ट्रॉन्ग हैंड में जब भी जाता है तो वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जाता है, उनका विजन 3, 4, 5, 6 साल के लिए होता है और इसी वजह से यहाँ पे जो है डीआई का होल्डिंग लगातार इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार कंपनी का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है। नो डाउट यहाँ पे आपको नेट लॉस देखने को मिल रहा है, बट ये आपको काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए है। जैसे ही मार्केट इम्प्रूव होगा इस सेक्टर के लिए और साथ ही साथ जो है आपको जैसे ही कंपनी का बिजनेस स्टेबल होगा, क्योंकि अभी ग्रोइंग फेज में है तो काफ़ी सारे लोन्स हैं, काफ़ी सारे एक्विजिशन हो रहा है जिसकी वजह से सब्सिडियरी में लॉस हो रहा है और इसी वजह से आपको नेट प्रॉफिट में लॉस देखने को मिल रहा है और डेप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से जो है आपको ओवरऑल कंपनी में लॉस देखने को मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे मंथली कैंडल क्लोज होने वाला है। स्टॉक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर की साइड में जो स्टॉक के पास रेसिस्टेंस है 560 के पास जो है स्टॉक के पास एक मेजर रेसिस्टेंस है और डाउन साइड में स्टॉक के पास 350 का एक मेजर सपोर्ट है। इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन जो है हम लोगों को मंथली चार्ट पे देखने को मिला। वापस से यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है और अब स्लोली स्लोली ये बेस बनाता हुआ दिख रहा है। तो मंथली चार्ट पे हम लोग अगर देखेंगे, प्रोजेक्शन लेते हैं, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे जो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, जिसका कि ब्रेकआउट होगा 560 के लेवल के ऊपर। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर स्टॉक जो है इजीली हम लोगों को 800 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है और एक बार स्टॉक 800 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर और भी बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका प्लान क्या होना चाहिए, आपका प्लान सिंपल होना चाहिए, आपको कैसे ट्रेड करना है, चलिए इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। आपका पहला रेसिस्टेंस है 560 का, 560 अगर क्रॉस होता है, यहाँ पे वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस जो है 515 के लेवल पे भी है, इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करता है तो इमीडिएटली 560 का लेवल देखने को मिलेगा और 560 के ऊपर जो है आपको 700-800 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो कुछ क्वान्टिटी आप यहाँ पर ऐड करेंगे 516 के लेवल के ऊपर, कुछ क्वांटिटी आप ऐड करेंगे 560 के लेवल के ऊपर। अगर ऑलरेडी आपके पास क्वांटिटी एडेड है तो आप यहां पे इस स्टॉक को लगातार होल्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।